हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है? आपका स्वागत है आपके अपने सो बिजनेस एकेडमी में। मैं हूं प्रिंस गुप्ता और हम बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया और यस बैंक के बारे में। जी हाँ दोस्तों, वोडाफोन आइडिया में क्या करें और यस बैंक क्यों गिर रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि दोनों ही जो प्रॉब्लम्स हैं ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। दोस्तों आप जानते हैं वीआई ने एक बहुत बड़ा लोन अमाउंट बैंकों से ले रखा है। दोस्तों अगर आपके जानकारी के लिए बताएं, एसबीआई ने वीआई को लगभग 11,000 करोड़ रुपए का लोन देकर रखा है, जो कि उसके लोन बुक का 0.43% है। इसी साथ यस बैंक ने 4,000 करोड़ का, इंडसइंड बैंक ने 3,500 करोड़ का, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने 3,240 करोड़ का, पीएनबी बैंक ने 3,000 करोड़ का, आईसीआईसीआई बैंक ने 1,700 करोड़ का, एक्सिस बैंक ने 1,300 करोड़ का और एचडीएफसी बैंक ने लगभग 1,000 करोड़ का लोन दे रखा है। दोस्तों इस समय आप देख रहे हैं कि वोडाफोन आइडिया जो है वो एक सस्पेंस बन के रह गया है कि इसमें सरकार कुछ ना कुछ सहूलियत देगी या नहीं देगी, या कोई दिग्गज प्राइवेट सेक्टर इसको हैंडओवर करेगा या नहीं करेगा। दोस्तों इसी के साथ जो भी बैंकिंग स्टॉक हैं ये अपने आपको परफॉर्म नहीं कर पा रहे, क्योंकि अगर वीआई डूबता है तो साथ में इन बैंकों का पैसा भी डूबेगा। इसीलिए कोई भी बैंक जो है बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं। इस समय चाहे आप एसबीआई का चार्ट देख लीजिए, चाहे यस बैंक का, चाहे इंडसइंड बैंक का, चाहे एचडीएफसी, सभी बैंक एक लिमिटेड दायरे में ही चल रहे हैं, वो अपने आप को परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। जबकि आप देखेंगे निफ्टी 50 ऑल टाइम हाई लगा रहा है, रोज नए नए हाई लगा रहा है और लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि निफ्टी 50 जो है वो जल्दी 16,500 को क्रॉस करके 17,000 की ओर बढ़ जाएगा, जबकि निफ्टी बैंक जो है वो 36,000 के लेवल पर अटका हुआ है। और दोस्तों अगर आप इन सभी बैंकों का 6 मंथ का चार्ट देखेंगे, ग्राफ देखेंगे, तो आप देखेंगे सभी बैंक जो है कंसोलिडेट हो रहे हैं, डाउन ट्रेंड में हैं, गिर रहे हैं। इन सभी बैंक का 6 मंथ का जो परफॉर्मेंस है वो निगेटिव आएगा। इसमें जो भी लोग इन्वेस्ट किए होंगे 6 महीने के अंदर वो माइनस में होंगे। दोस्तों अब आइए बात करते हैं यस बैंक में और वोडाफोन में इस समय क्या करना चाहिए। दोस्तों यस बैंक में जैसा कि आपको मैंने बताया, अगर वोडाफोन में कोई अच्छी न्यूज आती है तो केवल वोडाफोन का शेयर नहीं भागेगा, इसके साथ साथ यस बैंक, एसबीआई, इंडसइंड बैंक सभी के शेयर भागेंगे। ये सभी शेयर जो है वो अंडर प्रेशर है। कंपनी सब के साथ आप ये भी ध्यान रखिएगा कि यस बैंक के शेयर अभी आप बेचिएगा नहीं, लॉस नहीं बुक करिएगा। यस बैंक लॉन्ग टर्म में हमें आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देकर जाएगा, बहुत अच्छा प्रॉफिट देकर जाएगा। इस समय ऑपरेटर जो है शेयर को बहुत बुरी तरह से गिरा करके माल को बटोर रहा है। कुछ दिन बाद आप देखिएगा यही शेयर बहुत तेजी से जम करेगा और जब ये ऊपर की रेट में जाएगा उस समय हम लोग फिर खरीदने लगते हैं। अभी डाउन ट्रेंड में है, गिर रहा है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नहीं लीजिए। यस बैंक एक ऐसा खजाना है जिसको आप ले करके रख दीजिए और कुछ साल बाद आप देखेंगे तो ये एक बहुत बड़े खजाने के रूप में देखेगा। और रही बात वोडाफोन आइडिया की, तो दोस्तों वोडाफोन आइडिया में अगर आपने पहले ही बहुत बड़ी पोजीशन बना रखी है, मतलब आपने बहुत क्वांटिटी में शेयर खरीद रखे हैं, तो आप अपने आधे शेयर बेच सकते हैं। अगर आधे शेयर में लॉस बुक कर लीजिए, अगर शेयर कंपनी डूब जाती, कंपनी बंद हो जाती है, तो आपके आधे पैसे सेफ रहेंगे। और यदि अगर ये कंपनी भाग जाती है, कुछ अच्छी न्यूज आ जाती है, तो आपके जो लॉस है वो जो बाकी बचे शेयर होंगे ये कवर कर जाएंगे। अगर आप अपने शेयर नहीं बेचना चाहते हैं तो इस समय बहुत ज्यादा एक्युमुलेट नहीं करिएगा, शेयर को एवरेज नहीं करिएगा, शेयर को बस आप देखना बंद कर दीजिए, उसको अपने पोर्टफोलियो में पड़ा रहने दीजिए। अगर कोई अच्छी न्यूज आती है और शेयर आपका प्रॉफिट में आता है तो आप अच्छे खासे प्रॉफिट साथ जब भी मौका मिले आप निकल जाइएगा। और वोडाफोन ऐसे पेनी स्टॉक में जिनका कोई फंडामेंटल ही मजबूत नहीं है, ना ही कोई फंडामेंटल है, ऐसे शेयर्स में बहुत ज्यादा पोजीशन बनाने की जरूरत नहीं है। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।